इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के लाल सागर में इसराइल और अमेरिका कितना ताकतवर है, ये अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल यमन के हूती ने अपने हवाई हमलों से लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में अमेरिकी सेना की चौधराहट को बैकफुट पर ला दिया है। इन इलाकों में अमेरिकी सेना लगातार हूती के हमलों का सामना कर रही है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी हूती पर कई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। और अब हूती के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने एक संबोधन में अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला किया है। मलिक का कहना है कि लाल सागर में हूती के हमलों के तरीकों की वजह से अमेरिकी सेना अरब देश के जवाबी हमलों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक ने हूती की एडवांस सेना और मिसाइल क्षमता की जमकर तारीफ की है। अपने इसी बयान में अल हूती ने अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल के सैन्य गठबंधन को बुराई का त्रिकोण बताया है। अब्दुल मलिक का कहना है कि हूती की नौसेना से दुश्मन डरा हुआ है। अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में हम पर हमला करने के बजाय बचकर भाग रहे हैं। वहीं MQ-9 रीपर ड्रोन को लगातार मारा जा रहा है। मलिक का कहना है कि कई अरब देश यमन के खिलाफ अमेरिका द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसे हैं, बल्कि उन्होंने सीधे हमारे साथ सहयोग किया है। अब्दुल मलिक ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी विफलता ये थी कि वो लाल सागर में पड़ोसी मुल्कों को इसराइल के पक्ष में लामबंद नहीं कर पाया। अमेरिका अरब और पड़ोसी मुल्कों पर यमन पर हमला करने में मजबूर करने के लिए विफल हुआ है। साथ ही अब्दुल मलिक अल हूती ने सऊदी अरब को अमेरिका का साथ देने के लिए चेतावनी दे डाली है। मलिक ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को यमन के ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम सऊदी अरब को भी चेतावनी देते हैं कि अगर उसने यमन के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की तो उसका फायदा इसराइल और अमेरिका को होगा। अमेरिका यमन के खिलाफ सऊदी अरब को आर पार की लड़ाई में उतारना चाहता है और इससे हालात और खराब हो जाएंगे। हम मुस्लिम एकता से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ सहयोग करें। अगर सऊदी अरब यमन पर हमला करता है तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि अमेरिका ने यमन की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने के लिए हमारे बैंकों को यहां से ट्रांसफर करने की कोशिश की और इसमें उसने सऊदी अरब का इस्तेमाल किया। ये सबको पता है कि इसका सीधा प्रभाव यमन के आम नागरिकों पर पड़ता और सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर इसराइल की मदद करने का कदम उठाया, जो कि यमन की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए उठाया गया था। सऊदी अरब चाहता है कि यमन के एयरपोर्ट बंद हो जाएं, लेकिन हम ऐसा किसी हालत में नहीं होने देंगे।